सबसे पहले स्टोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिश्ता है काजल के साथ आपका, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके रिश्ता है, मतलब काजल बहुत ही करीबी दोस्त है मेरी एंड ये उसका पहला वेंचर है. स्टोर बहुत इस तरह बनाया गया, कपड़े देखने का मौका मुझे फिलहाल मिला नहीं है अभी के सामने, तो थोड़ा वक्त दीजिए कपड़े देखूंगा एंड आई एम श्योर अच्छे होंगे. शी गॉट स्टाइल, शी गॉट क्लास एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. काजल के लिए आया हूँ. जी बिल फिलहाल तो मेरी बहन, मैं चाहूँगा कि मेरी बहन आके देखे, कुछ पसंद करें एंड फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें सजेस्ट करूँगा कि यहाँ ज़रूर आए और कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदे. मेरा सर बड़ा सिंपल है, वट एवर कम्फर्टेबल इन दैट्स योर स्टाइल स्टेटमेंट. सो आई एम जीन्स वेल शर्ट टुडे, थोड़ा ड्रेस्ड अप, बट अदरवाइज आई एम जीन्स टी शर्ट रेगुलर, यू नो ज़्यादा करे. वट एवर कम्फर्टेबल इन, that's it, don't try too hard, that's your fashion statement, that's your style statement, be comfortable in what you wear. Wo dikhega samne. Yeah, thank you so much. Thank you mid center. बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, बहुत स्टाइलिश है, ट्रेंडी है एंड आई थिंक जितनी भी गर्ल्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा. इनफैक्ट जितने भी फैशनेबल आई थिंक लोग हैं जिन्हें फैशन फॉलो करना अच्छा लगता है, आई थिंक डेफिनेटली उन्हें इधर आना चाहिए और अपने फैशन कोशेंट को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए. जनरली इट्स नॉट समथिंग आई वुड फॉलो बट येस कोई भी चीज़ जो मुझे कंफर्टेबल फील करे और जिसमें मुझे कुछ और नहीं बल्कि श्वेता एज इन श्वेता ही लगूँ वही चीज़. डेफिनेटली जितने फ्लोरल और लाइटर फैब्रिक आप यूज़ करेंगे उतना बेटर है, बहुत ज़्यादा फिटेड ये ऑब्वियसली डेनिम्स एंड ऑल दैट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अदरवाइज इफ यू यूज़ लेनिन्स एंड लाइट कलर्स दे आर रियली वंडरफुल एंड समर्स को और थोड़ा फ्लावरी बनाना चाहिए, सो मोर कलर्स टू इट. एज एन मेल और फीमेल, फीमेल एक्चुअली बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो मेल में बहुत एक्टर्स बहुत हैंडसम है, आई कैंट पिक अप वन, बट या आई रियली लाइक द वे शाहरुख खान ड्रेसेस अप, आई लव जॉन द वे ही ड्रेसेस अप, सलमान ऑन द अदर हैंड इज रियली नाइस. सो वो कुछ भी पहनते हैं बहुत एफर्टलेसली कैरी करते हैं एंड आई थिंक फैशन यही है कि आप कोई भी चीज़ पहने तो उसे बहुत एफर्टलेसली कैरी करें. Thank you so much. Hello, how are you? Sir, how are you guys? Yeah. Sir, collection seriously बहुत अच्छी है, बहुत fantastic है और जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत urban और बहुत बहुत sexy collection है यार. हाँ बिल्कुल यार, मेरे friends हैं काफ़ी फ्रेंड्स जिनको मैं लिटरली इनको यहाँ से गिफ्ट करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ दिख रहा है जो यू नो हटके है कुछ और बहुत कुछ ऐसा है जो मार्केट में है ही नहीं. आप किस तरीके का फैशन पसंद करते हैं और किस तरीके व्हाट्स योर पर्सनल फैशन स्टाइल? फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए जैसे मैं हूँ थोड़ा पंजाबी सा अर्बन बंदा हूँ तो मेरे को अर्बन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और थोड़ी स्टाइलिश से अच्छी लगती हैं एज एन और सिंपलिसिटी एक टाइम पे यू नो थोड़ा सिंपल रहना भी पसंद करता हूँ, बट यार मैं सीरियसली टोटली बताऊँ तो मैं बहुत अर्बन रहना पसंद करता हूँ. येस इट्स अ मूवी कॉल्ड खेल तो अब शुरू होगा, मूवी आ रही है 13 मई को, दिस फ्राइडे रिलीज हो रही है, प्लीज़ देखिए, प्यार कीजिए और सपोर्ट कीजिए. निखिल गई, थैंक यू. Thank you. Already so sweet.
थैंक यू थैंक यू गुड टू सी यू गाइस It's a very nice and sleek collection. I guess everyone, you know, all the girls, they are like very fond of clothes and everything. And this is like this designer. She has got something really nice for each and every girl. So I'm looking forward to buy something really nice. They've got good party collection. So I guess in one of them, one should try each and every collection of hers. It's like, you know, wearable and party going. So it's fantastic. Gift actually sabhi cheez achhi lag rahi hai I like the jumpsuit what she has I like this party collection what she has so it's like something a mix of everything you know for daily wear for party wear like this party collection is really awesome I really like that फैशन के बारे में मैं सोचती हूँ कि जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको पहनना चाहिए वो ट्रेंड आपको फॉलो नहीं करना चाहिए अच्छा ये एक्ट्रेस ने ये पहना हुआ है तो आई शुड ऑल्सो सी सबके अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं सो आई गेस व्हाट एवर वन वेयर्स वन शुड बी कंफर्टेबल यू नो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन जस्ट गोइंग फॉर द लुक्स कि अच्छा ये एक्ट्रेस ने ये पहना तो मुझ पर तो अच्छा लगना ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो आपको अच्छा लगे वही पहने हाँ जी मेरी बात हुई उनसे बट ही इज रिकवरिंग एंड ही इज लाइक बैक यू नो सेफ एंड साउंड सो वी आर वेरी हैप्पी ऑल ऑफ अ सडन इट वाज नॉट लाइक यू नो एक्सपेक्टेड और हम लोग को इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे तो बाबू जी लाइक अभी क्यों होना था ये सब चीज़ें यू नो बट ज़्यादा उनको चोट नहीं लगी तो ही इज़ बैक टू यू नो गुड शेप नाउ या अभी मेरी दो तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ और मे बी वो जल्दी हो जाएगा और दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मैंने साइन किए हुए हैं बट आई कॉन्ट डिस्क्लोज मच अबाउट इट क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स एज दे से जब तक क्लोज में नहीं जाते इज बेटर नॉट टू डिस्क्लोज सो दोज प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी ऑन एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट और उसके अलावा ये वीनस के जो हमारे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसके बाद में हम वीनस और चंपक जी माई डायरेक्टर्स हम सेकेंड वीडियो भी प्लान कर रहे हैं बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स इन दिस वीडियो सो दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग विच हैज़ कम अप नाउ एंड वी हैव मेनी मोर लाइंड अप सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थैंक यू सो मच